गोल्ड जी, कल 19 तारीख को चक्का जाम कर रहे हैं, तो आपकी जो एसोसिएशन है दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये भी क्या सपोर्ट करेगी? ये इस समय जो चक्का जाम किया जा रहा है, ये पूरा हमारा यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हमारा जो फ्रंट है, ये सारी दिल्ली की समस्त ट्रांसपोर्ट एनसीआर की सब मिलकर कर रहे हैं और इसमें सबका सहयोग है। देखिए, हमारे बहुत कॉमन मुद्दे हैं जो है। एक तो हमारा मुद्दा, देखिए, इस समय सबसे बड़ा जो चालानों का हो रहा है, एक तो हम उससे परेशान है, जो लगभग जो भारत सरकार द्वारा एक दूसरे फरमान जारी हर बार किया जाता है, और इस बार भी हम पर एक चालानों के जो फाइन है इतने बड़ा 10 गुना बढ़ा दिए। ये हर आम ये और ये हमारे साथ साथ एक आम जनता की जेब पर भी बहुत भारी असर पड़ रहा है, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक RFID टैग है, एक इनकम टैक्स के अंदर जो 44AE हम पर जो लगा दिया, अगर पहले हमसे 7500 रुपए महीना यानी कि 90,000 रुपए हम सालाना इनकम गिना करते थे, वो 3 लाख रुपए कर दी गई है एकदम। और उसपे भी हमारा एक वो चल रहा है, और हमारे ड्राइवरों के लिए भी एक जो इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, जैसे पहले भारत सरकार द्वारा कहा गया था, हम लोग वो भी नहीं। इसलिए हम ये सब मिलकर और पूरी दिल्ली और एनसीआर की ट्रांसपोर्ट मिलकर इसमें एसोसिएशन सारे लगकर कर रहे हैं। और आपको मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि अब सभी ने जो जहाँ पे कोई टैक्सी है, बसेज है, सबने अपने अपने जो स्कूल में ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं, और सबने अपने अपने स्कूलों में भी इसके लिए नोटिस दे दिए हैं। और लगभग कल बड़ी तादाद में स्कूलों में भी अपने, अभी हमें पता चला भी काफी स्कूलों में भी अपने उसमें कल के लिए कह दिया कि भी कल अगर टैक्सी के ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है, इसके लिए आपको कल में इसमें दिक्कत हो सकती है, तो इस करके उन्होंने भी मान लिया कि अभी कल की हड़ताल है और ये कल की हड़ताल पूरे दिल्ली में रहेगी और एनसीआर में। ओके सर, जैसे कल एक दिन की यह सांकेतिक हड़ताल है, तो इसके बाद क्या कुछ नया करने वाले हैं? क्योंकि एक दिन की, आपको लगता है कि एक दिन की हड़ताल से सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, सरकार पर असर पड़ना भी है और पड़ेगा। देखिए, सरकार को एक मैसेज है, जब सामने जा रहे हैं एक दिन की हड़ताल है, सरकार पर असर पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अगर पूरी दिल्ली, आप ये देखिए ना, हम दिल्ली वाले क्यों परेशान हो, आप गुजरात में इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप महाराष्ट्र में चलानों के लिए मना कर रहे हो, आपकी जो जहाँ अपनी सरकार है वहां से सिर्फ एक दिल्ली को क्यों पीछा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में ही क्यों ये लागू किया जा रहा है। जी हम तो इसलिए परेशान हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इसको तो ये तो, और सरकार को सुनना पड़ेगा आने वाले समय में, इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में इसको। ओके, यानी ये अब अभी दिल्ली में तो एक दिन हजार का, ये एक दिन का चक्का जाम और विशाल रूप ले सकता है आने वाले समय में, अगर मांगे बिल्कुल पूरी ले नहीं होती सकता है, तो। बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है जी। और ये, और इसमें सभी, और ये केवल हम ही नहीं, हमारे साथ साथ आम जनता भी इससे परेशान है। एक जिस बेचारे की स्कूटर की कीमत एक नहीं है, उससे ऊपर के उसके चालान हो रहे हैं। देखिए, आपने जो किया ठीक है, हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं सिस्टम में हुए, हर बंदा रूल रेगुलेशन में तरीके से चलना चाहता है, पर आपका जो ट्रैफिक का नियम है, आपकी सड़कों का जो सिस्टम है, आज वो आपसे कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे चाहते हैं कि कहाँ से, और कमर्शियल गाड़ी वाले आप दिन ब दिन पीछे जा रहे हो, जी कमर्शियल गाड़ी वाले का रोजगार खत्म होता जा रहा है। आप क्या चाहते हो, आप ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जो आज पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और एक हर पूरे विश्व में इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, हर प्रदेश में, हर कंट्री में, तो आज आप इसको क्यों खत्म कर रहे हो? जी आप हमें दिन ब दिन हम पर कुछ ना कुछ लाकर, आज हम अपनी गाड़ियां नहीं डाल पा रहे, आज हम अपने काम नहीं कर पा रहे ढंग से, आज हम अपना व्यवसाय पूरा नहीं चला पा रहे। आम गाड़ी वाला एक एक सिंगल ओनर गाड़ी का खत्म होता जा रहा है, गाड़ियों की कॉस्टिंग, मतलब गाड़ियां मार्केट में अवेलेबिलिटी खत्म होती जा रही है, आपके रेट बढ़ते जा रहे हैं, डीजल फिर बढ़ता जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम किसके आगे से, सरकार नहीं सुनेगी तो फिर तो सुनने वालों का, तो रिश्ते सुनेंगे हम। जी 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 चलिए ठीक है ये सर, तो ओके।